नेमचेक प्रोटोकॉल में एक सीधा फंडा है, वो ये कहते हैं कि पेट के अंदर बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया ओवर नॉर्मल बैक्टीरिया है आपका, आपकी छोटी इंटेस्टाइन है जिनको स्मॉल छोटी आते बोलते हैं हिंदी में, छोटी आते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन है, और एक लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कोलोन बोलते हैं, बड़ी आते बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग लेवल पे है और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज आते एक अलग लेवल पे है, ठीक है। उनके अंदर बैक्टीरिया अलग है, उसके अंदर बैक्टीरिया अलग है। अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो क्या होगा, खिचड़ी बन जाती है। जब वो खिचड़ी बन जाती है तो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाता है। हेलो नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता के साथ। तो डॉक्टर दीपक गुप्ता एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट है बच्चों के साथ काम करने में, उन बच्चों को जिनको डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का डायग्नोसिस है, ऑटिज्म के बच्चों के साथ भी वो काम करते हैं। तो चलिए सीखते हैं उनसे कि उनका क्या तजुर्बा है, वो क्या हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी, ये ना बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नेमचेक प्रोटोकॉल कुछ बोलते हैं, ये नेमचेक प्रोटोकॉल एनपी है, इट्स कॉल्ड एज एनपी, नेमचेक एन एन फॉर नागालैंड, पी फॉर पाकिस्तान, एनपी। अच्छा, नेमचेक प्रोटोकॉल, ओके ओके, उसका एक्रोनिम, हाँ समझ गया, हाँ उसका एक्रोनिम है एनपी। हाँ हाँ, दीपक गुप्ता का एक्रोनिम हो गया डीजी, जैसे मुझे जी मेरे काफी फ्रेंड डीजी के नाम से बोलते हैं, डीजी डीजी, तो एक्रोनिम हो गया एनपी। हाँ, तो जब इन्होंने शुरू करा था नेमचेक प्रोटोकॉल, डॉक्टर पैट्रिक नेमचेक ने, एक बड़ा एक सिंपल प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिन लोगों ने करा है फायदा, बहुत लोगों को फायदा दिखा, ऐसी बात नहीं है, और बहुत लोगों ने काफी फायदा लिया इससे, मेरे पास मेरे काफी पेशेंट्स भी हैं जिनको फायदा हुआ है। नेमचेक प्रोटोकॉल में एक सीधा फंडा है, वो ये कहते हैं कि पेट के अंदर बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया ओवर नॉर्मल बैक्टीरिया है आपका, आपकी छोटी इंटेस्टाइन है जिनको स्मॉल छोटी आते बोलते हैं हिंदी में, छोटी आते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन है, और एक लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको कोलोन बोलते हैं, बड़ी आते बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग लेवल पे है और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज आते एक अलग लेवल पे है, ठीक है। उनके अंदर बैक्टीरिया अलग है, उसके अंदर बैक्टीरिया अलग है। अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए तो क्या होगा, खिचड़ी बन जाती है। जब वो खिचड़ी बन जाती है तो बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं SIBO, सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। जिसको जहां होना चाहिए वहां रहना चाहिए, लेकिन जब आ जाता है वहां खिचड़ी बन जाती है, वहां खिचड़ी बन जाती है बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाता है, जिसको सीबो बोला। जब वहां बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो गई तो क्या हुआ, वहां का पीएच भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद वहां पे आने के बाद वहां पे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है प्रोपेनिक एसिड। वो प्रोपेनिक एसिड नुकसानदायक हो जाता है। अब वो प्रोपेनिक एसिड जब नुकसानदायक होता है, वो हमारे नुकसान के बाद वहां पे भी सूजन हो गई, वहां पे अंदर वहां पे भी परेशानी हो गई इंटेस्टाइन के अंदर, और प्लस ऊपर जाके वो क्या करता है, वो ऊपर के जो ब्रेन के सेल्स हैं वहां पे, उनको भी उनके वहां पे जो हमें बचा रहे होते हैं उनको बचाने की बजाय वो अब बचाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो वाले जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको वो ऑल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं। तो उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते। तो नेमचेक प्रोटोकॉल कहता है कि आप पेट की ओवरग्रोथ को ठीक करो। आप पेट की ओवरग्रोथ को ठीक करोगे तो इसका मतलब, जब पेट की ओवरग्रोथ ठीक होगी, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जब पेट की बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ठीक हो जाएगी, आपके जो बैड केमिकल्स हैं वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब वो बैड केमिकल रिलीज होना बंद हो जाएंगे, और साथ में ऊपर सूजन भी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, तो वो दोनों चीजों को देना है वहां पे। तो वहां पे हमारे को उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर ओमेगा 3 देना है, आपको इनुलिन देना है। तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, वो गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा, सिर्फ बैड बैक्टीरिया को फीड, बैड वो क्या करेगा, इनुलिन, वो सब गुड बैक्टीरिया का रहेगा, वो क्लियर रहेगा, इनुलिन जो प्रीबायोटिक है। तो आपको प्रोबायोटिक नहीं देना, आपको बैक्टीरिया नहीं देने, ठीक है ना। तो आपने प्रीबायोटिक दिया, इनुलिन दिया, आपने साथ में ओमेगा 3 दिया, जो अंदर की जो स्टमक की लाइनिंग इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा।
जब आपने वो दे दिया, आपने ओमेगा 6 नहीं दिया जो बाकी सनफ्लावर ऑयल्स हैं, बाकी जो ऑयल्स हैं है ना, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, वो आपने हटा दिए सारे। फिर आपने ऑलिव ऑयल दिया साथ में, जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को, माइक्रोग्लियल को हेल्प करेगा। तो धीरे 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 क्या होता है, वो आपकी वो इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इनुलिन देते हो तो कभी कभी बच्चा थोड़ा सा उसके अंदर ईस्ट इशू बढ़ सकते हैं, तो फिर वो कहते हैं इंसुलिन को हटा दो, फिर रिफेम्पेंसिन लाओ। रिफेम्पेंसिन क्या करता है, वो सिर्फ बैड बैक्टीरिया जो ग्रोथ हो जाती है नीचे से ऊपर आ जाती है उसको मार देता है। तो बेसिकली आप गट को हील कर रहे हो। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि ये सब तो कोई डॉक्टर सजेस्ट करेंगे ना कि आप ये करो, अब ये करो करके, पेरेंट्स में जिनको जानती हो ना वो खुद करे जा रहे हैं, मतलब अपना ही। देखिए उसमें क्या होता है कि मेनस्ट्रीम डॉक्टर्स या तो उसको स्टडी करें प्रोटोकॉल को, है ना, उस प्रोटोकॉल को स्टडी करें और उसको प्रोपोगेट करें। इन्होंने खुद अपने आप इस प्रोटोकॉल को बनाया और प्रोपोगेट किया। अब कुछ पेरेंट्स ने जब करा तो उनके बच्चों को फायदा आया, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलता गया, इसीलिए वो कर रहे हैं। अब उसे कोई स्टडी करेगा, उसको प्रैक्टिकल उसको स्टडीज में डालेगा, रैंडमाइज ब्लड ट्रायल्स होंगी, तो फिर आगे जाके वो। तो पॉइंट ये है कि लोग वही वाली बात है, वो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं जगह जगह से कि ये चीज काम कर रही, क्या चीज काम कर रही, क्या चीज काम कर। इसका साइंटिफिक पूरा एविडेंस, अगर आप ध्यान से पूरे प्रोटोकॉल को पढ़ो, पूरी सेंस बनती है। लेकिन वही बात है कि कोई डॉक्टर खुद रिकमेंड करे, अगर वो नहीं करता, पेरेंट ढूंढ ढांड के करता है। तो जब हमने किया तो हमने भी उसको सेंड करा, उससे नुकसान नहीं होगा, मतलब अगर अपने आप से करे तो। देखिए ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब है, इस क्वेश्चन है ये, समझा। ओके, देखा जाए तो कोई भी चीज अपने आप से नहीं करनी चाहिए, ऐसे थेरेपीज भी अपने हिसाब से नहीं करनी चाहिए। लेकिन गूगल इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, प्रोटोकॉल दे देता है, पूरी गाइडलाइन दे देता है, तो हर इंसान क्या करता है, वो कहता है कि मैं जाऊंगा डॉक्टर का, उसका अपॉइंटमेंट लूंगा, खर्चा होगा, ये सब करूंगा। तो वो खुद ही उसको पढ़ता है और पढ़ के वो ट्राई करता है। जब तक या वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले, या जिन डॉक्टरों को वो जानता है उनको उसकी नॉलेज नहीं है, वो कहते काम पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो कहते ठीक है डॉक्टर साहब, के जो हमने लोकल डॉक्टर से पूछा उनको पता नहीं है, तो वो खुद करता है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट में टाइम है, या उनके अपॉइंटमेंट महंगे हैं, या वहां तक वो पहुंच नहीं सकते, उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनका पैसे नहीं है, या उनको लगता है कि आई डोंट नो क्या वो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, तो वो खुद ही उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने लग जाते हैं। आइडियली कोई भी प्रोटोकॉल हो, कोई भी इंटरवेंशन हो, आपको सुपरविजन के अंडर करनी चाहिए, ये जवाब है। लेकिन बहुत लोग जस्ट एज इन डिस्ट्रेस, क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो पढ़ के अपने हिसाब से नॉलेज अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप से वो शुरू करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नेमचेक प्रोटोकॉल नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। कैमल मिल्क, लोग वो कैमल का दूध पे रहे, मतलब बहुत सारा कुछ हो रहा है जिसका कुछ पता ही नहीं। अगर देखा जाए कैमल मिल्क के बारे में स्टडीज हुई नहीं है, ऐसा नहीं अभी। और जो इंडिया में कैमल मिल्क करता है, वो उसमें भी आया था, वन ऑफ द जो शार्क टैंक जो होता है उसमें आया था वो, आद्विक फूड करके, दे केम ऑन द शार्क टैंक। एंड अभी रिसेंटली अभी फूड स्टॉल में उन्होंने मोदी जी को भी प्रोडक्ट दिखाया था आद्विक फूड ने। यू नो आई एम नॉट सेइंग आद्विक फूड, बट आई एम सेइंग द कैमल मिल्क उस कंपनी ने करा यहाँ पे। और अभी रिसर्च भी है, फरीदकोट से भी रिसर्च पेपर्स आए हुए हैं, और कैमल मिल्क पर किताब भी लिखी हुई है, दैट लेडी यू नो शी इज अ पेरेंट ऑल्सो एंड शी हैज रिटन अ बुक ऑन द कैमल मिल्क। अब कैमल मिल्क के अंदर जो फायदे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, मिनरल्स हैं, केमिकल मिनरल्स हैं, एंड विटामिन्स जो हैं उसके अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, उनके फायदे हैं सच्ची में। अब ये तो है नहीं कि हर बच्चा कैमल मिल्क से ठीक होगा, बट कैमल मिल्क कैन बी लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। अगर जिस बच्चे की इम्यूनिटी पुअर है, जिस बच्चे के गट इश्यूज हैं, जिस बच्चे को कोई मिल्क नहीं हो पाता, तो कैमल मिल्क कैन बी वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर उसको इम्यूनोग्लोबुलिंस मिल रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, एंड अलॉन्ग विथ थेरेपीज। सो इट इज नॉट दैट कि कैमल मिल्क और नेमचेक प्रोटोकॉल इज रिकवरी, नो, नथिंग इज रिकवरी। कैमल मिल्क, नेमचेक प्रोटोकॉल या बाकी चीजें, GFCF डाइट, बाकी डाइट्स हैं, दे आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, है ना। तो मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ
डाइट किया, GFCF डाइट किया, कैमल मिल्क लिया, कोकोनट ऑयल दिया और साथ में थेरेपीज करी। अब उन्होंने वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच करी। कल को ये कहते कि सिर्फ थेरेपीज करते बच्चा ठीक हो जाता, लेकिन इतने बच्चे थेरेपीज कराते ठीक नहीं होते, बच्चे सिर्फ डाइट करते वो भी ठीक नहीं होते। तो मेरा पॉइंट है, इट शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। इसीलिए ऑटिज्म को पजल कहते हैं ना, कि इट्स लाइक वन पीस, सब इट्स लाइक एक पीस ही अकेला वो नहीं है कि सोल्यूशन मिल गया करके जैसे। लेकिन जब आप उसको, जब बॉडी को हील करते हो, दैट्स व्हाट इज बायोमेडिकल। बायोमेडिकल इज नॉट ओनली डाइट, बायोमेडिकल इज नॉट ओनली, तो हीलिंग द गट एंड डाइट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन बायोमेडिकल इंटरवेंशन। बॉडी के अंदर वो जो आप कह रहे हो, अपने अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें संतुलन लाना, बस वही मेन जो कहना, मतलब वही मुझे समझ आ रहा है। वो एक पहला स्टेप है। हाँ जी, वो पहला स्टेप है जिसके वजह से वो डोमिनोज इफेक्ट जैसा शुरू हो जाएगा कि वो जाके ब्रेन को हेल्प कर रहा है, ब्रेन से नीचे, मतलब वो एक ऐसे टक करो, टक 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 करके सब ठीक हो रहा है, उस तरीके से आप कह रहे हैं। शुरुआत है, हाँ एक शुरुआत है। उसके बाद आपने शुरुआत कर दी, बच्चे में फर्क आ गया थोड़ा सा, थेरेपी फर्क आ रहा है और वो साथ में, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगी ना। अब नेक्स्ट क्या है कि उस बच्चे के अंदर मिथाइलेशन इशू नहीं सही चल रहे, या उस बच्चे के अंदर टॉक्सिन्स हैं, या उस बच्चे के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या उस केमिकल पाथवेज ठीक नहीं है, अब वो करने पड़ेंगे ना, तो वहां पर अगले स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो मेडिकल इज वन, रिमूविंग द टॉक्सिन्स, रिमूविंग व्हाट इज हार्मिंग द चाइल्ड, चाहे वो ग्लूटेन है, केसिन है, शुगर है, सोया है, कॉर्न है, या यू नो ईस्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है, तो रिमूविंग प्लास्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स है, सो रिमूविंग व्हाट इज हार्मिंग द चाइल्ड। सेकंड आर है यू रिप्लेनिश व्हाट इज डेफिसिट, में डेफिसिट है, दैट मींस यू नीड टू गिव प्रोबायोटिक्स, यू नीड टू गिव प्रीबायोटिक्स और डाइजेस्टिव एंजाइम और जिंक, आयरन, यू नो कोलेस्ट्रॉल, और यू नो फॉर इम्यूनिटी, और यू नीड टू गिव व्हाट इज डेफिसिट इन द चाइल्ड, वो चीज हमें सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, वो हम सब चीजें बच्चों के अंदर देनी है। करेक्ट। एंड देन रिस्टोर द फंक्शंस, जो फंक्शंस ऑल्टर्ड है, मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑल्टर्ड है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, मिथाइलेशन साइकिल ऑल्टर्ड है, या हैवी टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, डिटॉक्स सिस्टम ऑल्टर्ड है, उनको ठीक करना। तो स्टेप बाय स्टेप यू एस्केलेट। सो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बायोमेडिकल इज नॉट ओनली डाइट एंड गट, बट इट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज द डाइट इन द गट, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इट इज लाइक बिट एंड पीसेस, इट्स लाइक यू वर्क ऑन वन पीस, देन 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 ग्रेजुअली यू सी योर पजल स्टार्ट सॉर्टिंग इट आउट। Sometimes you're able to sort out the whole puzzle, sometimes you're able to sort out the puzzle to some extent. और जब आप कहते हो छोटा बच्चा, तो आपके दिमाग में क्या एज आती है? 0 to 6 इयर्स ही है, मतलब के उसके बियॉन्ड, मतलब कैसा आपके दिमाग में क्या? 0 to 6 इज द टाइम व्हेन यू गेट, व्हेन इज द टाइम व्हेन यू नो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, दे आर स्टिल यू नो और डेवलप हो रहे होते हैं। फर्स्ट 1000 इयर्स, फर्स्ट 1000 डेज और सेकंड 1000 डेज, यू नो ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट 3 इयर्स एंड फर्स्ट 6 इयर्स, दैट इज द टाइम व्हेन यू, बट उसके अंदर यू आर एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट, बट दैट डज नॉट मीन यू डोंट गेट रिजल्ट्स आफ्टर दैट आल्सो, गेट रिजल्ट्स आफ्टर दैट आल्सो, एग्जैक्टली वही, राइट, बट यस यू आर एबल टू गेट मोर रिजल्ट्स बिगिनिंग में और जल्दी आ जाते हैं। ये बात बहुत क्लियर कर लो, बहुत बार लोग आते हैं कि 7 साल का बच्चा हो गया कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो, 11 साल का बच्चा कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, अभी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि 11 साल के बच्चे के साथ कोई डाइट करने में मुश्किल आएगी, शायद वो इतना कोऑपरेट ना करे, 11 साल के बच्चे के अंदर काफी चीजें उसके बिहेवियर बन चुके होंगे, या काफी सिस्टम स्ट्रांग हो चुके होंगे जिनको तोड़ने में, जिनको मॉडिफाई करने में वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा, और जो 10-11 साल में डैमेज हुआ है या 10-11 साल में सिस्टम्स के अंदर ऑल्टरेशंस हुई हैं, उनके काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, उतना सबर भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, और डॉक्टर के साथ कोऑपरेशन भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे यही कहते हैं कि अरे 6 साल का हो जाएगा, 2 महीना बचा है, अरे 3 महीना बचा है, तो वो स्ट्रेस में आके ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, ऐसे कोई लकीर फकीर नहीं है, कोई बात कि भाई यही लकीर की फकीर, 6 साल मतलब कुछ नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 साल आप सब काम कर, आपका काम है बच्चे पे काम करना,
एक अच्छी अप्रोच से काम करना, तो मैं ये कहना चाहूँ एक आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, आप उस अप्रोच से काम करिए, इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाट। आप उस अप्रोच से काम करिए। बायोमेडिकल के अगेंस्ट बहुत लोग हैं, बोलते हैं नहीं क्या होगा, नहीं कैसे होगा, नहीं डाइट से कुछ नहीं हो सकता, सप्लीमेंट से क्या होगा, अरे नहीं होगा, आप समझो क्यों दिया जा रहा है। नहीं लेकिन डॉक्टर दीपक पता है क्या, देखो ना जैसे भी थेरेपिस्ट भी हजार टाइप के होते हैं, वैसे जो बायोमेडिकल डॉक्टर्स भी तो हजार टाइप के होते हैं ना, सबको उतनी समझ नहीं होती है ना कई बार। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि शायद उनको वैसा एक्सपीरियंस हो गया होगा किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाकर। मैं अप्रोच को गलत नहीं कह रही हूँ, बट कई बार वो गाइडेंस की कब कहाँ क्या किया जाए, कब हटाया जाए, वो जो होता है ना निटी ग्रिटी जो कहते हैं, वो कई बार शायद हो सकता है ना अटक गए। और एब्सोल्युटली आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी शायद पेरेंट्स नहीं समझा पाते, कभी कभी डॉक्टर नहीं समझ पाता, कभी कभी टाइम आ जाता है बीच में, कभी कभी खर्चे बीच में आ जाते हैं। Exactly. तो बहुत सारे फैक्टर जो रियल लाइफ में आते हैं जब करने का आप होते हो, है ना। इसलिए कुछ चीजें कभी कभी डिले हो जाती हैं, कभी कभी सही वक्त पे नहीं आ पाती। और कई बच्चे इतना इम्प्रूव करते हैं, इतना इम्प्रूव करते हैं। हाँ हाँ बहुत मस्त कर मुझे एक मैसेज आया एक पेरेंट का, वो मेरा बच्चा पुराना बच्चा, मैं उसको 2 साल से कर रहा हूँ काम, अब वो नैरोबी में है, कल वो वापस आ रहे हैं 18 तारीख को दिल्ली में, वो कह रहे हैं आपको रिव्यू करना है। अब वो 11 साल का बच्चा है वो, तो मदर ने बोला आप देखोगे आप विश्वास ही नहीं कर सकते। हर 2 साल में मदर आती हैं, और काफी साल हमने उसका बायोमेडिकल किया, शुरू में 4-5 साल किया, स्टडिंग एंड डूइंग वेल, एंड स्टिल दे कम मुझसे अभी भी इवैल्यूएट कराते हैं, रिव्यू कराते हैं वो। तो आपको एक 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 ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वही बात है, जैसे जो मैं ABC कहता हूँ, ए मतलब अवेयरनेस, तो आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस रखनी जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, चेतनता ही जागरूकता। ए अवेयरनेस, बी बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर चाइल्ड एंड बिलीव इन योर डॉक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी है कनेक्टिंग द डॉट्स। अब देखिए डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, है ना। क्यों बच्चा रात को उठ रहा है, क्यों बच्चा चिल्ला रहा है, क्यों बच्चा बोलना बंद कर दिया, क्यों बच्चे में कभी कभी वेदर के साथ बिहेवियर खराब हो जाता है, क्या जो बच्चे को हिट कर रही है, क्यों बच्चे बिहेवियर खराब हो रहा है उसका, क्यों सेंसरी इश्यूज बढ़ गए हैं उस बच्चे के, क्यों कभी कभी कोई कभी कुछ हो रहा है ना। तो अगर वेदर के साथ भी हो रहा है तो कोई तो वजह होगी बॉडी में जो वेदर के साथ बच्चे को ऑल्टर कर रही होगी। तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें, हर सिम्टम के पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है ना। बच्चा समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पाता भाई, कोई भी चीज जानबूझ के तो नहीं करेगा ना, चलो भाई आज मैं फ्लैप कर लूं, चलो आज मैं गुस्सा कर लूं। क्यों वो बच्चा अपने आप को काट रहा है, मार रहा है, ठीक है एक ऑटिज्म फीचर मैं मानता हूँ, लेकिन क्या चीज है उसको ट्रिगर कर रही है, उसके पीछे क्या बायोलॉजिकल रीजन है। देयर हैज टू बी। तो अगर हम उन बायोलॉजिकल रीजन को समझें और उस पर काम करें तरह है। बट इम्पोर्टेंट ये मैं जो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना है। कभी कभी कुछ चीजें नहीं काम करती मैं मानता हूँ, लेकिन यस मिलके काम करना बहुत जरूरी। आई एम श्योर जो सुन रहे उनको बहुत फायदा हो रहा होगा, बिकॉज यू नो इतना पता है कैसे होता है कि आपके पास आओ, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पास नहीं आएंगे, लोग आएंगे, बट ऐसे होता है ना कि जब आते हैं तो हम एटलीस्ट इवन मेरे पास 1.5 घंटा 1 घंटा मैक्स, और कितना टाइम मैं दे पाऊंगी, ये जो इतना सारा बैकग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन लेकर अगर बंदा आपको मिलेगा तो उसके पास क्लैरिटी होगी कि मैं क्यों मिलने जा रहा हूँ, नहीं तो वो बहुत हेल्प करता है। सो इट्स रियली हेल्पफुल। मेरे को आपको एक और क्वेश्चन पूछना है। लोग कहते हैं कि अब ये आप नहीं कहते हो, मतलब मेरे को पेरेंट्स कहते हैं कि रिस्पेरिडॉन दे दो ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, कोगनी केयर दे दो ऑटिज्म ठीक हो जाएगा, फोकस आ जाएगा, सिटिंग टॉलरेंस आ जाएगा, तो ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता कोई दवाई है जो कि भाई बैठ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। आपका आपने ऑलरेडी उसको कह दिया है, बट रिस्पेरिडॉन और एरिप्रोपोजोल दो दवाइयां हैं जो भी FDA से अप्रूव्ड है ऑटिज्म में। रेस्पिरेडोन एरिप्रोपोजोल वो दवाइयां हैं जो डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, वो बच्चे के बिहेवियर पे हेल्प करती हैं, बच्चे के अग्रेशन पे, हाइपर एक्टिविटी पे, उसमें कामनेस लाती हैं, उसके रिपीटेटिव बिहेवियर्स को सेटल करती हैं, स्लीप को सेटल करती हैं, और एक तरह का उसके अंदर ठहराव लाती हैं। उसके अलावा और भी दवाई हैं, एटोमोक्सिटीन, मिथाइलफेनिडेट, क्लोनिडीन, जो बच्चे के हाइपर एक्टिविटी पे काम करती हैं, और गुआनफिसिन करके जो इंडिया में अवेलेबल नहीं, जो बाहर अवेलेबल है, वो भी काम करती है। तो ये अलग अलग दवाइयां हैं और जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, बट यस दे आर द ट्रीटमेंट, वो सब ट्रीटमेंट है, वो भी ट्रीटमेंट है, जो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट लिखते हैं, जिनसे बच्चों के अंदर फर्क आता है, ऐसी बात नहीं। यस
इम्प्रूवमेंट आता है। उसी तरह कॉग्निकेयर एक सप्लीमेंट है जिसके अंदर एल कार्नोसिन है, कॉग्निकेयर एक ब्रांड है जो शुरू में आया था, बाकी और भी ब्रांड्स हैं लेकिन कॉग्निकेयर ने फर्स्ट टाइम आया था इसलिए कॉग्निकेयर ज़्यादा फेमस हुआ। उसके अंदर एल कार्नोसिन है, वो गाबा रिसेप्टर्स और बीडीएनएफ पे काम करता है जो अंदर एक सिस्टम्स होते हैं, और जब वो कामनेस में और कामनेस में हेल्प करता है और फोकस में हेल्प करता है तो वो गाबा रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, और जब वो लर्निंग में हेल्प करता है तो वो बीडीएनएफ के थ्रू काम करता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। लेकिन सिर्फ दवाई देने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना मेरे, जैसे अभी आपने कहा वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है राइट, और उसके साथ अगर दवाई दी जाए तो है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बायोमेडिकल फॉलो नहीं करते, बायोमेडिकल फॉलो नहीं करते, वो दवाई लिखते हैं, दवाई लेते हैं रिस्पेरिडोन एरिप्रोपाजोल या बाकी दवाई लेते हैं और दवाई के साथ में थेरेपीज करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेन क्रक्स होता है कि पेरेंट को एजुकेट करना, पेरेंट की ट्रेनिंग करना, साथ में थेरेपीज और साथ में वो दवाई देते हैं, सिंपल। कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जहाँ पे सिर्फ पेरेंट एजुकेट हुआ, थेरेपी चल रही है और पेरेंट ट्रेनिंग बस। कुछ ऐसा भी होगा जो थोड़े रिमोट एरिया में रहते हैं, वहां सिर्फ पेरेंट की ट्रेनिंग होती है और पेरेंट ही अपने बच्चे के साथ काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ना वो थेरेपी उसको मिल पाती है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 140 करोड़ लोग हैं और पूरा इतना बड़ा हमारा रूरल पॉपुलेशन है, तो जो बंदा मुजफ्फरपुर से आ रहा है या जो बंदा रिमोट एरिया से आ रहा है, आसाम में डिब्रूगढ़ से आ रहा है या जोधपुर के आगे किसी और जगह से आ रहा है, उसके लिए बहुत बार थेरेपीज बड़े शहर तक पहुंचना भी मुश्किल है। चाहे वो रह तो रहा होगा गोरखपुर में, लेकिन गोरखपुर से भी आगे वो 100 किलोमीटर आगे है, तो उसके लिए रोज अप एंड डाउन करना गोरखपुर भी मुश्किल होगा। थेरेपी गोरखपुर में है लेकिन रहता वो बहुत दूर आगे, गोरखपुर से 100 किलोमीटर दूर। तो उन लोगों के लिए सिर्फ पेरेंट ट्रेनिंग हो सकती है, तो पेरेंट ट्रेनिंग हो रही है, थेरेपीज हो रही है, दवाई भी कर रहे हैं ऐसे लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ा, जिनको रियलाइज हुआ कि बायोमेडिकल, कि जो बच्चे के अंदर मेडिकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, टॉक्सिन्स को एड्रेस करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है, तो वो बायोमेडिकल अप्रोच भी कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग इंडिया में कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर जाके भी बायोमेडिकल अप्रोच कर रहे हैं, तो इसी तरह है। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ होल अम्ब्रेला जिसमें लोग अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पता तो होना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है। सेम लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ आयुष इंडस्ट्री, हमें पता है कि कोई भी बीमारी का पूरी आयुष इंडस्ट्री है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, है ना। इसके अलावा और भी हैं, तो इतनी सारी हर में इलाज हर चीज बहुत चीजों का, तो हमें देखना हमें क्या पिक करना है अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो करो सही तरीके से करो, वन जो करो कंबाइंड अप्रोच में करो, टू जो करो एक डायरी मेंटेन करो कि ये किया ये फायदा हुआ, ये किया ये नहीं फायदा हुआ, और कभी किसी बुराई मत करो। कोई बात नहीं, आपके बच्चे का नहीं हो कोई बात नहीं, वो भी एक साइंस हिसाब से कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो साइंटिफिक वे में कर रहा है इंसान तो कर रहा है, ठीक है। हर आदमी का एक अप्रोच से कोशिश कर रहा है, जिनसे बहुतों को फायदा हुआ बहुतों को नहीं हुआ। आपके बच्चे को हुआ फायदा तो आप तारीफ करोगे, नहीं हुआ तो नहीं करोगे। That is what I always believe in. भाई और कोई भी बंदा जानबूझकर किसी बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएगा ना, कोई भी थेरेपिस्ट हो या डॉक्टर हो, कभी भी नहीं, कोई अप्रोच भी नहीं फॉर दैट मैटर। आपके थेरेपी में भी बहुत लोग अपने लेवल से थेरेपी करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं, जिनको जितनी नॉलेज है, कुछ लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग उसमें बिगिनर हैं, कुछ लोग अभी भी सीख रहे हैं, कईयों के प्लान इतने अच्छे काम, कईयों के प्लान कम काम करते हैं, तो इसी तरह है हर तरह का। तो आपको अगर किसी ने जैसे कांटेक्ट करना हो तो मैं अभी नीचे क्या ईमेल एड्रेस डालूं कि लोग आपको जैसे बात मिलना चाहें या समझना चाहें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगी, बट अब जब हम बात करें तो इसके नीचे मैं क्या ईमेल एड्रेस डाल दूं, आप मुझे भेज दो कि मैं वो डाल दूंगी। नीचे ईमेल आईडी डाल सकती हैं आप, एक सिंपल ईमेल आईडी है जो मेरे सेंटर का info@ccaw.in, एक वो ईमेल है जिसपे वो सब कुछ हम कर सकते हैं, उससे उनको मदद भी हो जाएगी, उनसे उनको ये भी हो जाएगा। और एक नंबर है वो भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिससे उनको उनको सही वक्त पे हेल्प मिल जाएगी, ताकि वो आराम से उनको वो मैसेज कर सकते हैं और मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उसकी मदद करेंगे। तो नंबर भी 9995 76115, या दूसरा जो नंबर है आई थिंक वो नंबर बेटर रहेगा, जो आप ये जो मैं एक और नंबर आपको बता रहा हूँ वो आप डालेंगे तो उससे एक अच्छा रहेगा, जिससे
अगर किसी को भी कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी को संपर्क करना है, तो उसके थ्रू वो आराम से वो कर सकते हैं। नंबर है 9953309156, 9953309156। उस पर वो मैसेज कर देंगे तो मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको वो मेरे तक मैसेज पहुंचा देंगे या मेरा अपॉइंटमेंट डाल देंगे, या info@ccaw.in। ग्रेट, बहुत 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 शुक्रिया। आपका इतना सारा आपने टाइम दिया और इतने आराम से, ये नहीं कह रही मुझे जल्दी हो रही है मुझे फटाफट फटाफट शॉर्ट में आंसर कर दो, नहीं, बट लाइक आपने आराम से बोलते ना एकदम बहुत अच्छी से समझाया, सो इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपके इस माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से हम जितने लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि ऑटिज्म हर जगह हो रहा है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे वो जोधपुर से शिलोंग तक हो, हर तरफ के हर जगह के बच्चों को मैं देखता हूँ, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो बाहर हो। तो हमारा रोल ये है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को पहचानें। अगर कोई बच्चा बोलना बंद कर दे, या उसका आई कॉन्टैक्ट पुअर हो जाए, या उसका आई कॉन्टैक्ट पुअर है, वो आँखें नहीं मिलाता, इमिडिएटली हेल्प लीजिए, सही वक्त पर हेल्प लीजिए, जितना जल्दी उतना बेहतर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are four things that you can do. One, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. Two, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really, really, really how to help you to help your child better. Three, I've done a lot of masterclasses, which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online-events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number four would be, we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events, and we can meet weekly. You get to ask me your questions, I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child, and I'm sure it transforms your perspective, it transforms the way you work with your child. And these are the four things that I feel would really help you. Thank you.